दिनांक 9 जनवरी 2022 को शासन के निर्देश अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे एसएमडीसी के समस्त सदस्य एवं गणमान्य नागरिक एवं जनशिक्षा केंद्र बुढ़ेना कला के अंतर्गत समस्त प्राथमिक माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। सब लोग अपनी अपनी बात बिंदु अनुसार करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नए नए जो आयाम जुड़े हैं उन पे चर्चा की जाएगी। बदलाव जो होता है वो प्रकृति का अनुग्रह होता है, चाहे हम आज कितना ही बात क्यों फैसला कर लें, आज के परिप्रेक्ष्य में वो ठीक हो सकता है, कालांतर में आवश्यकताएं बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। जो मुझे आज की चर्चा करने के लिए जो बिंदु दिया गया है उसमें है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं, बाल्यावस्था जो होती है वो मानव जीवन की शुरुआत होती है, और किसी भी चीज की जब शुरुआत अच्छी होती है तो उसका अंत अच्छा होना लगभग अनिवार्य होता है। यदि हम किसी बच्चे को बाल्यावस्था से ही उसका सही केयर करेंगे, उसकी शिक्षा पर ध्यान देंगे, तो निश्चित ही आगामी जीवन उसका अच्छा होगा। इसलिए नई शिक्षा नीति में इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अभी नई शिक्षा नीति में सर्वसमावेशी शिक्षा और सबको सुलभ शिक्षा जो हमारी नई पॉलिसी है, इसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि सभी वर्ग के बच्चे, वंचित समूहों के बच्चे भी अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें, उनको इसका अधिकार मिले। गरीब लोग बेचारे कहीं बाहर देश विदेश अच्छे महंगे कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने नहीं दे सकते, तो उनको इसी जगह पर जहां वो है उसी के 5-10 किलोमीटर के दायरे में अच्छा एजुकेशन की सुविधा जब उपलब्ध हो जाएगी तो हर किसी के लिए हमारा जो शिक्षा है वो सुलभ हो जाएगी। अभी जो नई पॉलिसी आई है उसमें एक पक्ष को जो स्पर्श करने की कोशिश की गई है वो है मानवीय मूल्यों का पक्ष। आज हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार, आतंकवाद कौन कर रहे हैं? ये लोग कोई मूर्ख लोग नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े IIT किए हैं, जाने क्या क्या एजुकेशन है इन लोगों का, लेकिन क्यों इन लोगों ने इस गलत रास्ते का चयन कर लिया? कहीं 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 ना कहीं उनमें मानवीय मूल्यों की कमी है। साथ ही साथ एक बात और कही गई नई शिक्षा नीति में कि हम अपने देश की, हमारी संस्कृति की और हमारे राष्ट्रीय मानदंडों की रक्षा करते हुए हम वैश्विक व्यक्ति निर्माण करेंगे। आज की शिक्षा जो है वो क्या हो रही है, हम बड़े उच्च शिक्षित व्यक्ति तो हो रहे हैं लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उपेक्षित कर रहे हैं। हमको शिक्षा को अध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अपने देश के मानवीय मूल अध्यात्म की रक्षा करते हुए उन्होंने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर हमारे देश का नाम ऊंचा किया। उन्हें अपने संस्कार को नहीं भूले लेकिन उन्होंने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी विश्व के विद्वानों को चुनौती दिया और अपने विद्वता का डंका बजाया लेकिन अपने संस्कार को नहीं भूले। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर राम धारे चोज द नाइट ऑन दिस एजुकेशन पॉलिसी इन अ बेटर वे एंड मिस्टर कटरे इज आल्सो थ्रो लाइट एंड मिस्टर एस एल राम धारे आल्सो डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्थात आंगनवाड़ी। जन्म से 8 वर्ष तक जो एजुकेशन है वो इसके अंतर्गत ली जाती है, और इसके पीछे ये है कि बच्चा इस उम्र में बहुत अच्छे से सीखता है और अपना जो इस समय सीखता है वही उसका जीवन भर आगे काम करता है उसका ज्ञान को डेवलप करने के लिए। टुडे माय सब्जेक्ट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी अर्थात
बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। अब ये क्या है? यह इस एजुकेशन पॉलिसी का एक मिशन है। और इसका गठन क्यों किया गया, किसके अंतर्गत किया गया? तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें कई चीजें हैं, बुनियादी साक्षरता जो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे प्राइमरी स्कूल्स में बहुत होता है। हम ये देखते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये सरकार ने किया कि एक ऐसी बच्चों में समझ डेवलप की जाए ताकि उनमें एबिलिटी आ सके, द एबिलिटी एमंग चिल्ड्रन टू रीड विथ मीनिंग एंड सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम बाय द एंड ऑफ क्लास थर्ड। अर्थात कक्षा तीन तक बच्चे में भाषा का ज्ञान, भाषा शिक्षण होना चाहिए। अब भाषा ऐसा नहीं कि पढ़ लिए लिख लिए, उसको पढ़ने लिखने के साथ साथ इतनी समझ डेवलप हो जाना चाहिए कि बच्चा वो जो शब्द लिखा है या जो वाक्य लिखा है उसका अर्थ पहचान सके, अच्छे से जान सके। साथ ही साथ गणित की जो छोटी छोटी संक्रियाएं हैं जैसे कि जोड़ना घटाना, तो वो सरकार ये चाह रही है हमसे कि हम कक्षा तीन तक बच्चों में ये एबिलिटी डेवलप कर पाए कि उन्हें ये चीजें आए। तय किया गया कि हम पढ़ने लिखने बोलने गिनने अंक गणित गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान दें। और ये हमें कब तक करना है इसके लिए उन्होंने टाइम लिमिट हमें दिया है 2025-26, मतलब 25-26 तक हमें कक्षा तीन के विद्यार्थियों को इतनी समझ डेवलप करना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चार क्षेत्र उन्होंने निर्धारित किए हैं। पहला है मौखिक भाषा, बच्चों को पढ़ना लिखना अच्छे से बनना चाहिए, बोलते बनना चाहिए। दूसरा क्षेत्र है पठन, मतलब जो लिख रहा है वो पढ़े भी और उसको समझ भी हो। तीसरा है लेखन, जो बोला जा रहा है उसको लिख भी पाए। और चौथी चीज़ है संख्या ज्ञान, मतलब बच्चों को संख्या का ज्ञान हो, उसको गिनती आए, पहाड़े आए, जोड़ना घटाना, कम से कम इतनी संक्रियाएँ बच्चों को गणितीय संक्रियाएँ कक्षा थर्ड तक आए। ये इस पॉलिसी की खास उद्देश्य है। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस योजना के लिए हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम इस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ योजनाएं बनाई गई है। उसमें पहला ये किया गया है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें योजना बनाएं और योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करें। साथ ही साथ दूसरा ये किया गया कि शिक्षकों के जितने भी रिक्त पद यदि हैं उसको जल्द से जल्द व समयबद्ध तरीके से भरा जाए। तीसरा उन्होंने ये किया कि सतत रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली द्वारा प्रत्येक बच्चों का सीखना ट्रैक किया जाएगा, सीखना ट्रैक किया जाएगा। अर्थात बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, अंक गणितीय ज्ञान उनको गणितीय चिंतन पर उनको ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस आधार पर हमें जो हमारा सिलेबस है उसको डिजाइन किया जाएगा। फिर हमने ये देखा कि कई जगहों पर आंगनबाड़ियाँ संचालित नहीं होती, तो हमारे पास बच्चा जो पहली क्लास में सीधे आ जाता है तो उसके पास कोई भी उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने ये किया कि कम से कम 3 महीने का अल्पकालीन प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉडल बनाया जाएगा। मतलब जैसे ही बच्चा जुलाई में हमारे पास आएगा 3 महीने तक एक मॉडल उसको हमें प्ले करना पड़ेगा उसके साथ। उसमें गतिविधियाँ होंगी, वर्कबुक होगी जिसमें अक्षर ध्वनियाँ शब्द रंग आकार संख्या आदि शामिल होगा। तो शिक्षण शास्त्र मतलब आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है तो आप उसको आप क्या चेंज कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताया गया। अधिगम समग्र का मतलब है कि बच्चे को पढ़ाने से उसमें रटने वाली जो प्रवृत्ति है इसको लेकर के वो ना चले कि जैसे आजकल बच्चे जो है रट करके परसेंटेज तो बना लेते हैं, 90-95 ऐसे परसेंटेज आ रहे हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट की जो आंतरिक जो जानकारी है उनको नहीं हो पा रही है और इसमें कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो है इस पॉलिसी में ये शामिल किया हुआ है कि बच्चा पढ़े भी और उसको सीखे भी, मतलब कौशल आधारित होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम जो तैयार किया जाएगा इसका जो समग्र जवाबदारी होगी वो एनसीईआरटी की होगी।
एनसीईआरटी के थ्रू यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है ये संस्था है जो इस पाठ्यक्रम को पूरा तैयार करेगी और इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। नई शिक्षा नीति में अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना यानी जैसे बच्चे पे आज इतना हो गया कि बोझ हो जाता है, बहुत सारी पाठ पुस्तक लेकर के आता है, तो इस पर डिजिटलाइजेशन होगा। यानी पाठ पुस्तक अब जैसे अगर उसके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो वो घर पे ही पाठ पुस्तकों को खोल सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए जाएंगे, पाठ्य को वो कहीं पे भी जाकर के वो पढ़ सके या देख सकता है। भाषावाद और भाषा शक्ति यानी उसकी मातृभाषा पे ही फोकस किया जाएगा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा पे होगी और इसमें मूल्यांकन नहीं होगा। ये भी दिया हुआ है कि मूल्यांकन नहीं होगा, उसको प्रोजेक्ट के थ्रू ही अंक दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा जो है वो ज्ञान के साथ साथ कौशल को भी सीखे और वहां बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से काउंसलिंग होगी और बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा। तो ये पहल इसमें की गई समता मूलक, यानी सभी को मिले, कोई ये ना कहे कि मुझे यदि ये नहीं होगा तो हमारे संविधान के जो मूल्य है इसकी बात सर ने भी की थी वो उनके साथ न्याय नहीं होगा। वह संविधान के अनुच्छेद 21 ए में भी कहा गया कि सभी बच्चों का, सभी लोगों का मौलिक अधिकार है शिक्षा, उसका जन्मजात अधिकार है उसको शिक्षा देना। और कैसी शिक्षा देना? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। जिससे ये और हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी ये बात कही गई है। पहले ये था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था, परंतु अब क्या हो गया है 3 से 18 वर्ष। मध्य प्रदेश में जो ड्रॉप आउट है, जो बच्चे छोड़ देते हैं, इन सब बातों पर सरकार ने इस एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान किया है। और 11 से 12 के भी 56.5 इतना, यदि हम दो के बीच में ही देखें तो लगभग 24% जो बच्चे हैं, इतने बच्चे 9वीं 10वीं के इतना अंतर, इतने बच्चे बाहर हो गए इस क्षेत्र से, 24% बच्चे बाहर हो गए, निकल ही गए। तो हम कितनी अच्छी योजना बना ले, कितनी अच्छी पॉलिसी बना ले, उस तभी योजना पॉलिसी सफल होगी जब उसमें 100% लोगों की भागीदारी हो। और इस नियोजन पॉलिसी में उन्होंने बोला है कि 2030 तक नामांकन तो पूरा हो रहा है 70%, परंतु 2030 तक ये इसको खत्म करना है, ये जितना हो रहा है इसको खत्म करना है। और 2030 तक प्री प्राइमरी से 12 तक यानी 12वीं तक के बच्चों की 70% एनरोलमेंट रहे, बीच में ड्रॉप आउट ना करें। ड्रॉप आउट को क्या करना है? जीरो करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न वक्ताओं ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी, इस पर विस्तृत प्रकाश डाला है। कुछ और भी बिंदु हैं, जिनमें से एक बिंदु है प्रौद्योगिकी का उपयोग। हम शिक्षा में प्रौद्योगिकी का किस तरह प्रयोग करें, प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों जरूरी है, और ना केवल शिक्षकों के लिए बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी यह अनिवार्य हो गया है। अभी कोविड काल में हमने देखा कि हमने विद्यार्थियों को, पालकों को प्रेरित किया कि वे स्मार्टफोन खरीदें और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दें, और बहुत सारी अध्ययन सामग्री हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनको पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई। तो समय बहुत तेजी से बदल रहा है, हमारी सोच से भी जल्दी बदल रहा है। हम खुद अपने आप को नहीं बदल पाते उतना जितना समय बदल गया। अब ये 10 से 15 साल भी अगर हमको शिक्षा जगत में काम करना है तो प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ साथ हमको खुद में भी बदलाव लाना पड़ेगा, और इसी को करने के लिए प्रेरित करती है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी हमको सीखना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सीखने का एक बहुत बड़ा माध्यम हमको प्रदान करे। तो प्रौद्योगिकी किस तरह हम शिक्षण कार्य में, बच्चों के सीखने में किस तरह से प्रौद्योगिकी मदद कर सकती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर भी प्रावधान किया गया। डिजिटल इंडिया अभियान के रूप में पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कैंपेन चलाया था, और आप देखें कि इसका बहुत समाज में भी बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं कि अब व्यवहार में आ गई। आज हर हाथ में मोबाइल है, तो समय कितना तेजी से बदला। देखिए अपने देखते देखते इतनी सारी चीजें आ गई, फिर बाद में एटीएम की सुविधा है, अब एटीएम की सुविधा है तो चाहे जहां से पैसा निकालना है, पैसा ट्रांसफर करना, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं पैसे ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था,
एनईएफटी करवाते थे, आरटीजीएस करवाते थे, आज हम एक सेकंड में अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करते हैं। और हम तो क्या पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एक आम आदमी भी गाँव में आते थी। तो कितना मतलब समय कितनी तेजी से बदल रहा है। तो समय की मांग है, समय के साथ साथ बदलती तकनीक बदलती प्रौद्योगिकी के साथ साथ हमको भी चलना पड़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसका हमने कोरोना काल में किया भी है यथासंभव। अब आवश्यकता किन लोगों की पड़ेगी, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही प्रौद्योगिकी को अपनाने की बात कही जाएगी तो हमको ऐसी तकनीक को समझने वाले, इस्तेमाल करने वाले शिक्षक चाहिए होंगे और ऐसे छात्र भी चाहिए होंगे जिनमें रचनात्मकता के साथ प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उत्सुकता भी है। तो प्रौद्योगिकी जो है शिक्षा को कई मायने में प्रभावित करेगी। और वर्तमान में कुछ चीजें, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी चर्चा आपने भी सुनी होगी और हमारी एनईपी में भी इनका संदर्भ है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सुना हुआ शब्द है। आप देखो कि बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे आसपास हैं पर हमको नहीं मालूम। हम अपने मोबाइल में ब्राइटनेस को सेट कर लेते हैं कि लाइट के हिसाब से ब्राइटनेस अपने आप कम या ज्यादा होता है, वो अपने आप हो रहा है। यानी आपने एक बार सेटिंग लगा दी कि जब तेज प्रकाश रहेगा, आप धूप में जाओगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, जब आप अंधेरे में आओगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, कम लाइट में। तो कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी अपने आप होने लगी। तो बड़े शॉपिंग मॉल में अपन चले जाए, बड़े शहर में कहीं पर, तो आप देखो कि आप कदम रखते हो गेट अपने आप खुल, आप टच भी नहीं करते हो गेट को, गेट खुल जाता है। तो ऐसे उसमें आप मेट्रो ट्रेन में कभी यात्रा करने का अवसर मिला हो, जब तक पूरे गेट लॉक नहीं होते गाड़ी चलती है, पूरे गेट लॉक होते गाड़ी उसके बाद ही आगे। अभी अभी आपने और सुना होगा कि ड्राइवर लेस मेट्रो दिल्ली में चल रही है, ड्राइवर लेस मेट्रो। और अब तो ऐसी कारें भी बन रही हैं जो ड्राइवर लेस का मतलब ये कि बुजुर्ग आदमी भी ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ है और गाड़ी में उन्होंने तय कर दिया भाई यहाँ से हमको सीधे जाना है, गाड़ी घर से निकलेगी अपने आप, जहाँ रिवर्स लेना होगा रिवर्स लेगी, टर्न होगी और वो आपको सिवनी, मान लीजिए SBI जाना है तो सिवनी SBI के सामने जाके खड़ी। तो ये सब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब बहुत सारे, यानी यहाँ इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, इंटेलिजेंट आपकी गाड़ी होगी या गाड़ी में वो सिस्टम हो गया। तो ये समय आने वाला है, आ चुका है कहें आगे। अब खतरे भी हैं, खतरे ऐसे हैं कि भाई जब सब कुछ काम मशीनें करने लगेंगी तो हम क्या करेंगे। पढ़ाना आप देखिए, बहुत सारे जो लर्निंग एप्स हैं, बायजूस, वेदांतु, आकाश और वो बहुत सारे जो कोचिंग क्लासेस वाले थे, उन्होंने ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन दे दिए। आज आप देखिए कि धीरे धीरे स्कूल, मुझे लगता है स्कूल बंद ना हो, यानी वो सारी चीजें पढ़ा रहे हैं और अपने से अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन तकनीकी का प्रयोग आपके, और बहुत सारे बच्चों ने उसका बहुत अच्छा उपयोग भी किया। तो कहने का मतलब ये है कि हम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हालांकि यानी हमारा स्थान तो नहीं ले सकती, शिक्षक का स्थान तो नहीं ले पाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो ऐसी होंगी कि बच्चे को अगर डाउट है तो वो तो तुरंत उठ के पूछेगा, और जो मशीन होगी वो तो उतना ही बताएगी जितना उसमें फील होगा, वो बच्चे के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगी। तो हमारी उपयोगिता तो फिर भी बनी रहेगी, लेकिन बहुत सारे रोजगार आप देखिए जा सकते हैं कि ड्राइवर की नौकरी जा सकते हैं, आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत सारे रोजगार जा भी सकते हैं, खतरे भी हैं, लेकिन चूंकि समय बदल रहा है तो बदलती परिस्थितियों के अनुसार हमको भी अपने आप को बदलना होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के सभी प्रकारों के प्रयोग और एकीकरण को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समर्थन दिया जाएगा, उसको अंगीकृत किया जाएगा। विद्यालय और उच्चतर शिक्षा दोनों में, ना केवल उच्च शिक्षा में बल्कि विद्यालयी शिक्षा में भी इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। और ये सब करने के लिए एक स्वायत्त संस्था बनाई जाएगी, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF, इसका निर्माण किया जाएगा। और इसका उद्देश्य होगा प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने और किसी क्षेत्र विशेष में उसके उपयोग से संबंधित निर्णयों को सुगम बनाना। तो एक संस्था होगी जो हम लोगों का इसमें मार्गदर्शन करेगी। अब ये जो इसके जो कार्य हैं NETF, इसके कार्य होंगे प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र और प्रमाण आधारित परामर्श उपलब्ध कराना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और संस्थागत क्षमता का निर्माण करना, इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी कार्यों की परिकल्पना करना, और अनुसंधान और नवाचार के लिए नई दिशाओं को स्पष्ट करना।
और इन सब कार्यों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत से शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे और उन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे, और हमको भी इस तरह के उपकरण मिलेंगे जिससे कि हम नई प्रौद्योगिकी से अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ताकि शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम अभ्यासों में ई सामग्री को उपयुक्त रूप में शामिल कर सके। दीक्षा के अलावा जैसे स्वयं भी एक प्लेटफॉर्म है, उसमें भी इसी तरह बहुत सारी शैक्षणिक सामग्री है। समीक्षाएं शामिल होंगी ताकि कंटेंट विकासकर्ता प्रयोग का अनुकूल और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बना सके, मतलब उसमें हमेशा सुधार की संभावनाएं बनी रहें। बच्चों के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया है या उनको प्रौद्योगिकी से अवगत कराने के लिए या उनकी पढ़ाई की जरूरतों के लिए हमने मोबाइल दे दिया है, बहुत सारी कठिनाइयां भी हैं। बच्चों को साइबर क्राइम से बचाना है, छोटे बच्चे हैं, कई तरह के कंटेंट उसमें विज्ञापन के रूप में आते हैं, तो उससे हम बच्चों को कैसे बचाएं, यह भी सोचना होगा, इसका भी उपाय ढूंढना होगा। क्योंकि जब से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है उसके बाद से आप देखें कि साइबर क्राइम में भी वृद्धि हुई है। जैसे जैसे डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ही डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ रहा है, तो इससे भी हम कैसे बचा पाएंगे अपने बच्चों को और हम खुद भी कैसे बच पाएंगे ये भी देखना होगा। जो हायर इंस्टीट्यूट हैं वो इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, बल्कि अत्याधुनिक क्षेत्रों में आरंभिक निर्देशात्मक सामग्री और पाठ्यक्रम यानी ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। नई शिक्षा नीति में इसी तरह व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया, बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दें जिससे कि वो खुद से कोई रोजगार या कोई व्यवसाय कर सके, यानी वो नौकरी का मोहताज ना। और हमारे यहाँ एक और जो हमारी मानसिकता भी है कि भाई अच्छा पढ़ लिख गया तो बोले हाँ नौकरी, यानी हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य ही नौकरी हो गया, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा का उद्देश्य नौकरी होना नहीं है, उसमें स्किल या कौशल उत्पन्न करना, कौशल पैदा करना, और ऐसे कौशल से वो अपनी आजीविका चला सके ऐसा प्रयास करना। तो जब प्रौद्योगिकी एक स्तर पर परिपक्वता प्राप्त कर लेगी, हजारों छात्रों के साथ उच्चतर शिक्षा संस्थान इस प्रकार के शिक्षण और कौशल निर्माण के कामों को बढ़ाने के लिए आदर्श स्थिति में होंगे जिससे कि रोजगार परक शिक्षा दी जा सकेगी। परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी कुछ नौकरियों को निरर्थक बना देगी, जैसे कि अभी मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस है ना रोबोटिक साइंस के कारण भी बहुत सारे जो जैसे ऑपरेशन मेडिकल के क्षेत्र में वो रोबोट के जरिए हो, डॉक्टर सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं बैठ करके, तो क्या बहुत सारे रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे? तो निश्चित खत्म होंगे। अतः रोजगार पैदा करने के लिए और उन्हें बनाए रखने के लिए स्किल के प्रति प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। मतलब हम अपने विद्यार्थियों को जब तक कोई ना कोई कौशल उनके अंदर विकसित नहीं करेंगे तो बदलती परिस्थितियों में वो आजीविका भी नहीं कमा पाएंगे। प्रशिक्षण या शिक्षण की व्यवस्था जो है ऐसे पेशेवर लोगों के हाथ में जाएगी जो वो सब करने में सक्षम होंगे, अगर हम सक्षम नहीं होंगे तो दूसरे लोग करेंगे, तो शिक्षक को सक्षम होना पड़ेगा। चुनौतियां बहुत हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी हम चूंकि समझने के स्तर पर हैं, अभी बहुत सारे इसके जो क्लॉज हैं उन पर चर्चा की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है। अब ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा जो है इसको हम कैसे अपने बच्चों के साथ में कैसे प्रयोग में लाएंगे और उसके क्या खतरे हैं, बच्चों को उन खतरों से दूर रखते हुए हम कैसे उनको सीखने में मदद कर सकते हैं, बहुत सारी बातें नई नई आ रही, तो ऐसी आवश्यकता है कि कई प्लेटफॉर्म और पॉइंट सॉल्यूशंस द्वारा यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के साथ पुराने ना हो जाए। तो कितनी तेजी से चीजें बदल रही है, हमेशा समय के अनुसार अपडेट होकर के चलना पड़ेगा, और अगर अपडेट नहीं होंगे या नई प्रौद्योगिकी को नहीं सीखेंगे तो फिर सिस्टम से निकलना पड़ेगा, बाहर होना पड़ेगा। तो ये सारी चुनौतियां हैं कि जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है स्कूल से लेकर के उच्चतर शिक्षा तक, तो यह जो नई शिक्षा नीति है क्या क्या सिफारिश करती है प्रौद्योगिकी के मामले में। नंबर एक, ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन, यानी ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करते हुए हम किस तरह से इसे बच्चों के लिए उपयोगी बना सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन अध्ययन, जिसके लिए हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जैसे IIT, NIT, IGNOU, ऐसी जो संस्थाएं हैं ये संस्थाएं इस पर शोध करके और एक सुरक्षात्मक प्रौद्योगिकी हमको प्रदान करें। दूसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मेरे साथी कटे जी ने भी कहा कि हमको ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने हर विद्यालय में वो चीजें होनी चाहिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना। तीसरा है ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण, विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षकों को सहायक उपकरण के एक संरचित उपयोगकर्ता अनुकूल विकसित सेट प्रदान करने के लिए स्वयं और दीक्षा जैसे उपयुक्त मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। मतलब ये भी पर्याप्त नहीं है। अच्छा एक चीज और, अभी हम लोग जब ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो ऑनलाइन पढ़ाने के दौरान ये अनुभव रहा कि अब एक तरफा हो रहा था, यानी शिक्षक तो पढ़ा रहा है लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं उसकी निगरानी का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं, और बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा उसके आकलन का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं। प्राथमिक कक्षाएं भी बहुत लंबे समय तक ऑनलाइन माध्यम से चलती रही लेकिन वहां पर शिक्षक के पास ऐसा कोई प्रभावी माध्यम नहीं था जिससे कि वो बच्चे की सीखने की स्थिति को जान सके। मतलब इसमें भी अभी बहुत सुधार की और बहुत अनुसंधान की आवश्यकता है। तो दो तरफा वीडियो ऑडियो यानी बच्चों के पास में इस तरह की चीजें हो और बच्चों को वो सब चीजें हम जान पाए कि उन्होंने सीखा या नहीं सीखा। चौथा है सामग्री निर्माण, सामग्री की अभी भी कमी और इसमें भी लगातार प्रयास किया जाएगा और बच्चों के लिए अधिक से अधिक किसी का लर्निंग कंटेंट जो है डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। पांचवा है डिजिटल अंतर को कम करना। डिजिटल अंतर हमारे आसपास बहुत सारे पालकों ने ऐसे संसाधन जुटा लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, मुझे बहुत अच्छा भी लगा सुन के और तकलीफ भी हुई। डूना सिमरी में मैं रहता हूँ, वहां पर एक माता राम मुर्रा बेचने आती है, पिछले साल की बात। तो मैंने उससे मुर्रा लिया, मेरे को मालूम है कि खाली नंझर इसी एरिया से ज्यादा जाती, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया माता जी कहाँ से आए, तो बोले नंझर से। अच्छा मैंने कहा मैं भी बुढ़े ना पढ़ाता हूँ, तो जी हमारे यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, बोले एक शायद नौवीं बताई और एक उन्होंने ग्यारहवीं में बताई, और बोले दोनों के लिए दो मोबाइल, एक पहले एक लिए बोले तो दोनों में लड़ाई होने लगी तो दो मोबाइल लेना पड़ा। तो 17,000 रुपए के मोबाइल को बेचारी जो मुर्रा बेचती है उसने दो बच्चों के लिए दो मोबाइल खरीदी 17,000। तो कितनी कठिनाई, और बच्चे जब ऐसी मतलब उनको माता पिता इतने कष्ट से जब संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं और बच्चे जब उसका दुरुपयोग करेंगे तो कितने बड़े खतरे आते हैं। तो छात्रों के लिए इसमें अच्छा डिजिटल अंतर की हम बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छा उन्होंने तो कर भी लिया, उनके अंदर इच्छा शक्ति थी, बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा उन्हें किया भी, लेकिन बहुत सारे माता पिता चाहता कि भी ये नहीं कर पाए, और जिन्होंने मोबाइल खरीद लिया तो वो डाटा रिचार्ज कंटिन्यू नहीं कर पाए, मैंने एक बार रिचार्ज कराया खत्म हो गया दोबारा फिर मैंने वर्ष तक रिचार्ज किया। तो ये सारी कठिनाई है, तो ऐसे डिजिटल अंतर को कम करना भी एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए जैसा कि बीच में भी आया था कि भाई मोबाइल नहीं है तो आप टीवी के माध्यम से पढ़िए, रेडियो में शैक्षिक कार्यक्रम आते हैं, तो इस तरह के रेडियो और टीवी पर जो शैक्षिक कार्यक्रम आते हैं उनको लगातार, अभी वो कुछ समय के लिए आते हैं एक दो घंटे के लिए कार्यक्रम आते, तो उसको 24 घंटे और 7 दिन करने की योजना इस नई शिक्षा नीति में है। और सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चों को जो डिजिटल सामग्री है वह उनकी मातृभाषा में मिले। छठवा है वर्चुअल लैब्स, ऐसी लैब स्थापित करना, ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करना जहां पर दीक्षा स्वयं और स्वयं प्रभा जैसे मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सके। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे विद्यालय में भी इस तरह के कुछ संसाधन है, जैसे कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, घर से हम मोबाइल में पढ़ाते थे तो उतना इफेक्टिव नहीं है, हमारे पास यहाँ स्मार्ट बोर्ड होगा, बढ़िया कैमरे लगे होंगे और सारे बच्चे हमारे उससे जुड़े हुए होंगे, ऑनलाइन देख रहे होंगे, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ देख, तो कितना अच्छा होता है। तो ऐसी लैब स्कूल में होना जरूरी है ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व्यवहारिक और प्रयोग आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो सके। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन ये बहुत जरूरी है। दीक्षा के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रशिक्षण किए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सारी बातें उन प्रशिक्षणों में आ गई। शिक्षा नीति जो है उसे तो चर्चाएं हो चुकी हैं, मगर पहले की एक शिक्षा थी, शिक्षा नीति थी वो गलत नहीं थी, ठीक थी, मगर कहीं ना कहीं वो एकल दिशा को दृष्टिकोण कर रही थी। एकल दिशा का मतलब जैसे कोई एक बच्चा है, जैसे अब हम ही हैं, आप हैं, हमने सोच लिया कि अब शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन में आ गए तो आप यहीं तक सीमित रहेंगे, इसके आगे आप ऊंची छलांग नहीं लगा पाएंगे। मगर अभी जो आ रही ये होती है बहुल दिशा दृष्टिकोण शिक्षा नीति कह जा रही है, तो यहाँ से आप और ऐसे ऑफर मिलेंगे आपको, जो शिक्षा नीति चल रही है यहाँ पर यदि कोई जॉब से लग जाता है तो उसके बाद भी उसके पास टैलेंट मिलते जाएगा, किससे और आगे जा सकते हैं, ऐसी नीतियों का समावेशन किया गया है इसमें।
और इसके ऊपर इसको मैनेज करने का एक बड़ा अच्छा सा परिदृश्य बनाया गया। इसको इसके लिए चार निकाय तैयार किए गए हैं सर, जैसे वो NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद करके है, कहलाता है, स्कर्ट कहलाता है अपना वाला SERT, ये स्टेट का है। तो इसने इसी के जैसे इसी के समकक्ष चलेगा सर ये, और इसकी हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं इससे, चार परिषद हैं इसके लिए निकाय बनाया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, ये सबसे अगेंस्ट में रहेगा, सबसे ऊपर होगा ये जो परिषद है इसने बनाया है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, तो ये पूरे के पूरे ऐसे नियम बनाएगा जिसको हम पूरे MP में इसको फॉलो करेंगे। फिर उसके तो ये शिक्षा के लिए क्या देना है पढ़ो बच्चों को, उनके पाठ्यक्रम कैसा होगा ये उसको डिसाइड करेगा। उसके बाद आता है सर हमारा सामान्य शिक्षा परिषद, तो सामान्य शिक्षा परिषद में क्या होगा, ये ढांचा तैयार करेगा हमारे लिए, किस प्रकार का मानक ढांचा तैयार करेगा हमारे लिए, ये बुनियादी ढांचा तैयार करेगा, बाहर की टेक्नोलॉजी जो आ रही है उस टेक्नोलॉजी को देखेगा। तो उस प्रकार से वो NCERT के समतुल्य उसके जैसे ही हमें ढांचा तैयार करके देगा। एक निकाय जो है हमारे पास और एक परिषद है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, ये क्या इसका जो रहेगा, ये सार्वजनिक स्व प्रकटीकरण का कार्य करेगा। आप सभी लोग क्या काम करेंगे कि इसको फॉलो करेंगे और हमें लगता है कि भाई ये गलत है तो उस पाठ्यक्रम को आप हटा देगा, ये एक उसमें इस पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया है। तो ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगा राष्ट्रीय प्रत्यायन जो परिषद है, यदि हम इसमें ऐसा अपील करेंगे तो ये परिषद इस पाठ्यक्रम को हटा देगा। तो एक लचीला पाठ्यक्रम भी है, तो जिसका कार्य प्रदर्शन अच्छा होगा उसको पदोन्नति मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से ये जो परिषद है हमारे पास उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, तो जो संस्था बहुत अच्छा कार्य करेगी, जिसका कार्य प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, तो उसको इस परिषद के माध्यम से क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। है आधार सभी विद्यार्थी करें अपने सपने साकार, शिक्षा करेगी नव युग का निर्माण। वाकई ये जो शिक्षा नीति है ये नव युग का निर्माण करेगी, शिक्षा करेगी नए युग का निर्माण, आने वाला समय देखेगा इसका प्रमाण। धन्यवाद। इसके बाद अंतिम आभार प्रदर्शन कह दे या समापन कह दे, उसके लिए मैं वरिष्ठ शिक्षक एसएल रामलाले जी से निवेदन करता हूँ। उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आज का जो हमारा कार्यक्रम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर परिचर्चा का आयोजन, इसमें आप लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया और मैं कह सकता हूँ कि आज का आयोजन हमारा सफल रहा। इस विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों ने अपना अमूल्य समय, छुट्टी का समय इस कार्यशाला के लिए दिया, हमारे आयोजन को सफल बनाया, इसके लिए हमारा सभी शाला परिवार आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।